करियर पर पीजी दस्तों करने पर वो दिन लोनार सरोवर महाराष्ट्र में बुल्ढाना में लोनार सरोवर है, वो बहुत बड़ा लेक है, बिग लेक, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। ये अछूता लेक है, इसको हम छू नहीं सकते, न्यू साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है इसका। नाउ व्हाई हम इसका पानी पीने के लिए लायक नहीं है, इसमें जीवन अलग कुछ अलग है, व्हाट इज देयर डिफरेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्रमोद दस्तूरकर ये। नाउ लोनार सरोवर पे कुछ ही दिन पहले नेशनल ज्योग्राफिक में बताया कि वन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ हैज स्पॉटेड वन न्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ। नाउ मैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो नॉर्थ साउथ होती है वो इट वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वाज डिफ्लेक्टिंग विद 10 डिग्री यस एंड टू एंड फ्रो। जो ये प्रॉपर्टी उस पर देखना देखे स्पॉट किया तो दैट वॉज कमिंग टू लोनार सरोवर। नाउ साइंटिस्ट ने देखा कि इसको ये लोनार सरोवर क्या है क्या नहीं है क्या है सब, एट द बैकग्राउंड दे ट्राई टू सी द इन्फॉर्मेशन। नाउ 3-4 पैसिबिलिटीज दे चेक। नंबर वन, वहां पे उन्होंने मंदिर पाया जिसमें विष्णु जी का मंदिर और कोई राक्षस का मंदिर है, कि ये कोई माइथोलॉजिकल सरोवर है क्या? नहीं, ये तो मंदिर को नजीक के दिनों का है, मंदिर बहुत ही अलग है, अलग टाइप का है, जिसमें माइथोलॉजिकल वन पॉसिबिलिटीज नो। सेकेंड इज अ वोल्केनो, ज्वालामुखी की वजह से बना हुआ ये है क्या? तो दे आर स्टडी ऑल दिस टाइप्स ऑफ सरोवर जिसमें ज्वालामुखी से रॉक्स वो एक्सकवेट होते हैं और अलग अलग एरिया में रॉक्स होते हैं, तो इस एरिया में कोई ऐसे रॉक्स ज्वालामुखी राइट टाइप रॉक्स बेसाल्ट रॉक्स नहीं पाए गए हैं, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वालामुखी इज नॉट देयर। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, साइंटिस्ट ट्राई टू चेक वेदर इट्स अ न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिका ने या अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जगह पे रिमोट जगह पे न्यूक्लियर टेस्ट करने का ये गोलाकार आकार, ये 1.5 किलोमीटर का इसका जो डायमीटर है और 1500 मीटर की इसको डेप्थ है, तो ये डेप्थ 150 मीटर की डेप्थ है, तो ये डेप्थ न्यूक्लियर टेस्ट से आती है और गोल आकार बन जाता है। सो दे ट्राई टू सी वेदर इट इज अ न्यूक्लियर टेस्ट और नॉट, बट साइंटिस्ट फेल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज वहां पे लाइफ एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं है। द फोर्थ पॉसिबिलिटी केम इन व्हिच इज रियल, कि एक मीट्रोइड जो उल्का हम कह सकते हैं, एक बड़ा मीट्रोइड पृथ्वी की तरफ से जा रहा था और वो वहां का टकरा गया और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये इतना बड़ा खड्डा आया और एक लोनार सरोवर, इट्स अ न्यू लाइफ हैज केम इनटू एक्सिस्टेंस। बहुत ही हरा पानी है, पुराना है, इट्स मोर डेटिंग टुवर्ड्स मोर देन 50,000 ईयर्स। द पॉइंट इज इसमें क्या नई चीज देखी गई है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है, इट्स नॉर्थ साउथ 10 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब उन्होंने पूरा उसका स्टडी किया तो यस, द क्रेटर का जो मेट्रोइड के पार्ट्स है पार्टिकल्स है बाजू बाजू गिरे हुए थे विच आज नॉट मैचिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग देखी गई और ये जो क्रेटर अंदर जो डूब गया है अंदर घिस गया है वो क्रेटर को मैग्नेटिक पार्टिकल अलग प्रॉपर्टी से बने हुए आकाश से आया हुआ कॉस्मोस का पार्टिकल मेट्रोइड अंदर डूबा हुआ है, जिसके कारण ये पानी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, पानी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, तो ये चेंज हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में से बैक्टीरिया डेवलप हो गए, कुछ वनस्पति डेवलप हुए, इकोसिस्टम डेवलप हुआ है विच हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट देन ऑन द अर्थ, जिसको हम खा पी नहीं सकते है। अगर कोई आदमी वहां जाकर रहेगा, अगर कोई आदमी जाकर दिखाने की कोशिश करेगा तो उसमें नहीं रह सकता। दिस इज समथिंग न्यू, ये अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला लेक है which cannot be used by human beings. So this is something new for us. Do take interest in these activities. Pramod Dasturkar here on YouTube. Thank you very much.